जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम सीखेंगे कि आप ऑटोकैड को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हो। ठीक है, देखो यार, ऑटोकैड को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताने वाला हूँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसको यूज़ करके अगर आप ब्लाइंडली मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हो, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह फॉलो करते हो, तो आप विद इन वन मंथ ऑटोकैड को यूज़ करके ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन से क्लाइंट हैं, मेरे पास क्लाइंट ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं, क्या सर्विसेज क्लाइंट ने मेरे से ली हैं, ठीक है, किस कंट्री से क्लाइंट बिलोंग करता है, और टाइटल को कैसा यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन क्या यूज़ करनी है, ये कम्प्लीट मैं आपको अपनी प्रोफाइल पहले दिखाऊँगा। आपने जस्ट मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है। ठीक है, देखो यार, कोई भी आप चीज़ डिज़ाइन करते हो उसके लिए रेफरेंस इमेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन अर्निंग वाली साइट पर आते हो ऑनलाइन, तो उसके लिए भी आपको कुछ रेफरेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकती है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने एज अ रेफरेंस मेरी प्रोफाइल को यूज़ करना है और उसमें देखना है कि कंप्लीट उसको डिटेल में देखना है, उसमें मैंने क्या टाइटल यूज़ किए हैं, क्या डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, क्लाइंट से किस तरह मैंने बात की है, क्या क्लाइंट ने रिव्यूज़ दिए हैं, क्या सर्विसेज हमारी आपस में एक्सचेंज हुई हैं, तो आपने एक कंप्लीट डिटेल से देखना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट स्टेप है कि आपने उसको स्टार्ट करना है। तो टाइम बहुत कीमती है, चलते हैं जल्दी से अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको वहाँ पे बाकी चीज़ें मैं समझाता हूँ। तो आ जाओ फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपने जस्ट सिंपल गूगल पे जाना है और टाइप करना है fiverr.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करता हूँ fiverr.com, और fiverr.com टाइप करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका तरीका यूज़ करने का सिंपल है, आपने जस्ट सबसे पहले अपने अकाउंट को साइनअप कर लेना है। मेरी ऑलरेडी प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हुई है तो मैं यहाँ पे साइनअप नहीं कर रहा। आपने साइनअप का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट अपने जीमेल अकाउंट से इसको साइनअप कर लेना है और उसके बाद जिस तरह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को लॉगिन करने हैं, आपने जस्ट उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके बाद मैं सिंपल सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या मामला है। मैं सिंपल यहाँ पे सेलर डैशबोर्ड पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो प्लीज़ वेट। अब फाइवर पे क्या होता है कि फाइवर पे हम डिफरेंट गिग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, गिग्स का मतलब हम डिफरेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं। आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट गिग्स बनी हुई हैं, जैसा कि ये एक 2D फ्लोर प्लान, एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक बिजनेस कार्ड, इस तरह डिफरेंट गिग्स क्रिएट होती हैं जिन पर क्लाइंट आके ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ मेरी डिफरेंट गिग्स बनी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक गिग पे क्लिक करता हूँ तो उसकी डिटेल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस गिग की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। सो वेट अ वाइल, ओके ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी फर्स्ट गिग है और सबसे ऊपर यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आई विल रीड आवर 2D फ्लोर प्लान इन ऑटोकैड। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ दैट टाइटल, ये आपकी गिग का टाइटल होता है जिसमें आप कोई भी सर्विस दे रहे हो उसका आपने एक प्रॉपर टाइटल रखना है और उसको आपको यहाँ पे गिग के सबसे फ्रंट पे आपको शो होगा। ठीक है, अब उसके बाद सबसे नेक्स्ट चीज़ हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास पिक्चर्स आती हैं, आपने अपनी गिग की पिक्चर्स को अपलोड करना है, जो भी आपकी रेलिवेंट गिग है, इंटीरियर की, एक्सटीरियर की, 2D फ्लोर प्लान की, किसी भी गिग की, कोई भी गिग है उसकी आपने रेलिवेंट पिक्चर्स को अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड पे अगर हम देखें तो राइट साइड पे हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसके कुछ पैकेजेस बना लेते हैं, बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज, इस तरह डिफरेंट पैकेज बना लेते हैं। उसमें आप प्राइस को अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा कि अगर आप ये कहो कि मैं 100 स्क्वायर फीट के जो भी हाउस होगा या जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके मैं इतने चार्ज करूँगा। उसके बाद आप इसमें टाइम को सेट कर सकते हो, 2 डेज़ की डिलीवरी है। अगर आप सोर्स फाइल देना चाहते हो, ओरिजिनल फाइल क्लाइंट को देना चाहते हो, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि बेसिक पैकेज मैंने रखा है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज है और प्रीमियम पैकेज है। तो इस तरह डिफरेंट पैकेजेस आप अपने नीड के हिसाब से, क्लाइंट की नीड के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। इन्हीं पैकेजेस की मैं बात अभी नीचे जाके भी करूँगा, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ऊपर अगर आप टाइटल के नीचे देखो तो यहाँ पे आपके पास 5-स्टार रेटिंग शो हो रही होती है कि क्लाइंट ने आपको जो भी रेटिंग दी है वो यहाँ पे आपकी 5-स्टार या 4-स्टार जितने भी क्लाइंट ने आपको रेटिंग दी है वो यहाँ पे आपकी शो होगी। और रेटिंग के साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैसा कि एक नंबर लिखा हुआ 11, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 11 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे जितने भी जो भी नंबर लिखा होगा इसका मतलब होगा कि आपने उतने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस केक के ऊपर मैंने अभी तक 11 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 11 मेरे पास रिव्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई। अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ओके, हाँ, अब नीचे पिक्चर्स अपलोड करने के बाद नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आता है अबाउट दिस गिग। तो अबाउट दिस गिग का मतलब है डिस्क्रिप्शन, कि हमने इस गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि इसका इसमें हम क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस है, कितने हमने कब से काम कर रहे हैं,
तो ये सारी डिटेल पहले क्लाइंट के साथ किस क्लाइंट के सामने काम किया, सारी डिटेल आपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखी हुई है तो मैं इसको कंप्लीट रीड नहीं करूँगा, आपका टाइम मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। सो आप इसका अपनी प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आपने थॉरली इसको जाके एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, आपकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, मैंने सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है सीक्वेंस वाइज, तो आपने इसको ज़रूर थॉरली एक दफ़ा रीड करना है। उसके बाद इसी हम नीचे आते हैं नीचे, ओके। सो नीचे इसके बाद आपकी अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपकी प्रोफाइल कब आपने ज्वाइन किया है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपका आपकी लास्ट डिलीवरी क्या है, आपने कब लास्ट डिलीवरी डिलीवर किया प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ रही होती है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि आप कितनी जल्दी क्लाइंट के मैसेज का रिप्लाई करते हो, ठीक है। तो वो भी सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने शो हो रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो चीज़ आती है वो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होती है, एक गिग की डिस्क्रिप्शन होती है, एक प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होती है। तो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में ओवरऑल अपने बारे में बात करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमने ये सर्विस दे रहे हैं, इससे पहले हम ये काम कर चुके हैं, हमारी एजुकेशन ये है, हमारा बैकग्राउंड ये है, तो सारी आप ये इसको डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करते हो। तो अगेन आपने इसको थॉरली एक दफ़ा रीड करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है आपने इस पर काम किस तरह करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं अगर पढ़ने लगूँ तो बहुत देर लग जाएगी, तो मैं आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहता, तो आपने इसको जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने ऊपर हमारे पास पैकेजेस आ रहे हैं, नीचे अगेन हमारे पास ये वही पैकेजेस हैं, उनकी आप डिटेलिंग देख सकते हो। जैसा कि ऊपर एक बेसिक पैकेज है तो इसके अंदर इसकी मज़ीद डिटेलिंग है, बेसिक पैकेज के अंदर हाई लेवल डिटेल्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, सोर्स फाइल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनके लिए इंक्लूड 2D ड्राइंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट साइज़ ये होगा, रिविजन इतनी होंगी, तो इस तरह आप अपने हिसाब से डिफरेंट पैकेजेस को सेट कर सकते हो। आप एक पैकेज भी रख सकते हो और तीन पैकेज रख सकते हो, तीन पैकेज भी रख सकते हो और सिंगल एक पैकेज भी रख सकते हो, ठीक है। बेसिक भी रख सकते हो, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, तीन इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं फाइवर के अंदर, ठीक है। इनकी प्राइस वगैरह को हर चीज़ को अपने हिसाब से क्लाइंट की नीड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 11 रिव्यूज़ हैं, 5-स्टार रेटिंग है, अगर आपके पास कोई 4-स्टार या 3-स्टार रेटिंग हुई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। मुझे अभी तक कोई 4-स्टार रेटिंग नहीं है, मेरी ऑलमोस्ट सारी जो है 5-स्टार रेटिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं, आप नीचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है क्लाइंट रिव्यूज़, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको एक सेकेंड, अब सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट है ये पुर्तगाल से क्लाइंट है, और इसमें इसका रिव्यू आप देख सकते हो, उसको मैंने 2D फ्लोर प्लान डिज़ाइन करके दिया था, तो इस ये हमें कहता है इज़ रियली एफिशिएंट एट गुड एट व्हाट इट हैज़ एंड आल्सो इज फास्ट फॉर द वर्क ही हैज़ डन 10/10 वुड रिकमेंड रियली हैप्पी विद द आउटकम, ठीक है। तो इस तरह क्लाइंट आपको यहाँ पर रिव्यू देता है जो भी आप काम उसको करके देते हो या डिज़ाइन करके देते हो कुछ। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का है, और इसने भी ये आप देख सकते हो क्विक रिस्पांस, गुड कम्युनिकेशन, क्वालिटी वर्क, ठीक है। तो इसने मुझे 5-स्टार रेटिंग दिया और साथ ही रिव्यू दे दिया, और इसको जो मैंने सर्विस प्रोवाइड की इसको मैंने 2D फ्लोर प्लान डिज़ाइन करके दिया था, ये आप देख सकते हो। तो आपके पास भी इसी तरह के कोई क्लाइंट आएंगे जो आपसे कुछ 2D फ्लोर प्लान डिज़ाइन करवाएंगे, तो सेम इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी उनके डिज़ाइन भी हमारी तरह ही होते हैं, जस्ट आपने उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है कि वो बनवाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपने एक दफ़ा उनकी रिक्वायरमेंट को समझ लिया, उसके बाद हर चीज़ ईजी हो जाती है, आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर देते हो। तो जैसा कि ये प्लान आप देख सकते हो, उसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है, जस्ट मैंने उसके रिक्वायरमेंट को समझा कि वो बनवाना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ये रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। इसी तरह मैं नीचे जाऊँ तो नीचे मेरे पास यूनाइटेड स्टेट्स का अगेन रिव्यूज़ हैं, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी मेक दिस फ्लोर प्लान, इट्स एक्सीलेंट, ठीक है। तो एक ही क्लाइंट आपको बार बार भी मिल सकता है और डिफरेंट क्लाइंट भी मिल सकते हैं। ये मेरे पास एक क्लाइंट है, मैक्सिमम इसी की यहाँ पे रेटिंग आ रही है, ठीक है। और लास्ट में उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहा है टैक्स का, तो टैक्स आप अपनी सर्विस के हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप ऑटोकैड की सर्विस दे रहे हो तो आप उस ऑटोकैड से रिलेटेड टैक्स डाल सकते हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से टैक्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्प्लीट माई प्रोफाइल। सो जो फर्स्ट स्टेप है आपका फाइवर पे काम करने के लिए, आपने जस्ट एक दफ़ा मेरी प्रोफाइल को गो थ्रू करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले इसको गो थ्रू करो, कंप्लीट डिटेल से थॉरली रीड करो, मैंने क्या यूज़ किया है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, किस तरह उसको मैनेज किया है, सारा एक दफ़ा पढ़ो, और उसके बाद जो सबसे इजी स्टेप है उसको अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई कर दो। थोड़ी बहुत एज अ रेफरेंस मेरी प्रोफाइल लो और उसको अपने उस प्रोफाइल पे यूज़ कर लो, बिकॉज कि कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हो उसके लिए रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैं अपनी प्रोफाइल एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसको यूज़ करो।
आपने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें से देखो कि लिखा क्या हुआ है उसको, फिर अपने अल्फाज में अपनी वर्डिंग में दो तीन चीज़ों को रेफरेंस ले लो, एक मेरी प्रोफाइल ले लो, एक करो किसी और की प्रोफाइल ले लो, उसको एज अ रेफरेंस ले लो और उसको अपनी फाइवर के ऊपर यूज़ करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।